जैसे पीपल के पत्ते में पराग होता है, हमारे हिंदू धर्म हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोग भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। शंकर के मंदिर की सफाई करी है, जिसने शंकर के मंदिर में पुताई करी है, शंकर के मंदिर में जाला साफ करा है, शंकर के मंदिर का विस्तार किया है, जिसने शंकर के मंदिर में 4 चांद लगाए हैं, भगवान भोलेनाथ भी उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। भगवान भोलेनाथ उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। जो शंकर के भक्ति में डूबा, जो शिव की एक लगे शंकर के स्मरण में, हम आपसे भी कहेंगे आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपकी गली में शंकर का कोटला है, आप 50 महिलाएं मिलकर शंकर भगवान के ऊपर छत बनाने का प्रयास करना, आप 50 महिला मिलकर शंकर भगवान के मंदिर में फर्श लगाने का प्रयास करना, आप 50 महिला मिलकर शंकर के मंदिर में सफाई करने का प्रयास करना, आप 50 महिला मिलकर शंकर जी के मंदिर को सुंदर बनाने का प्रयास करना, जो 50 महिला शंकर के मंदिर में काम में लगी हैं, वो अपना नाम एक डायरी में लिख कर रखना और 2 साल 1.5 साल लगातार बाबा की सेवा करते रहना। 1.5 साल में जैसे जैसे मंदिर चमका है, वैसे वैसे बाबा आपको चमकाता चले जाता है। पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके 1 दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो 10वीं के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए 10वीं। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। जितने लोग आए हैं जरा दिल से स्मरण करें, समस्या भारी है तो भी एक लोटा जल आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर बैठे हैं, दिल से कह रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। दिल से कहकर जल लेकर महादेव के शिवालय में जाकर भाव से समर्पित करें, भाव से दिल से कहें उसको। भगवान देव अधिदेव महादेव नीलकंठ पर जाकर बैठे और जिनके शरीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन कन्याओं का नाम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार सब शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम वापिस लेंगे, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां। जो बच्चा मंद बुद्धि होता है, जो बच्चा बुद्धि से विहीन होता है, या नारी का गर्भ ठहरे और नारी को ऐसा लगे कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा या इसका माइंड या इसका शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर जया, विषहरा, श्यामली बारी,
दौतली और देव, ये शंकर जी की पांच बेटियों का नाम बेलपत्री पर अंकित कर ये बेलपत्री पांचों बेटियों का नाम इस बीच वाली पत्ती पर अंकित कर मध्य से, आपको पहले बेलपत्री का महत्व तो सबको मालूम है ना, हम पहले बता चुके हैं कि बेलपत्री की दो डंडियों के बाद में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले बताया गया है, बीच में इस पत्ती से लेकर दो पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले की कथाओं में बताया है, ये दो पत्तियों का महत्व आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमें कोई कामना करना होती है तो हमें बेलपत्री कहाँ से पकड़ना होती है, मध्य भाग से, दोनों पत्तियों और बीच की पत्ती का जो डंडी होती है मध्य भाग, वहां से बेलपत्री को पकड़ा जाता। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की ये पांच लड़कियां। आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जीवन में रहेगी, उस समय पर गर्भस्थ बच्चे को रहने पर भी नारी शिवालय में अशोक सुंदरी की जगह पर जाकर पांचों बहनों का नाम लेकर अगर बेलपत्री अंकित कर देती है, बेलपत्री समर्पित कर देती है, उस नारी का गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो माइंड से कभी खराब नहीं हो सकता, उसका विवेक प्रबल ही रहेगा, मानसिक विकलांग नहीं हो सकता, उसकी बुद्धिता का प्रबलता है। शिव के शिवलिंग में, शंकर भगवान की जलाधारी में, शंकर भगवान के जल बहने का स्थान पर जो तेज होता है वो तेज हमारे गर्भस्थ में भी पहुंचता है।